नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रक्स बसेज के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा के ब्लेजो X55 ट्रैक्टर ट्रेलर के रूप में। 4x2 और 6x4 दोनों ही XL कॉन्फ़िगरेशन में आप इस ट्रैक्टर ट्रेलर को ले सकते हैं। पीछे आप इसमें 12 टायर और 16 टायर की ट्रोले जोड़ के 55 टन का ग्रॉस वेट प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी बोल्ड लुक वाला है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी चौड़ा है इसका केबिन दोस्तों। सस्पेंडेड इसका केबिन मिलता है दोस्तों इसमें आपको। आज की वीडियो में जानते हैं इसकी क्या क्या खासियत हैं, कौन कौन से इसमें आपको की फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन से नए ज़माने के फीचर्स आपको मिलते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है दिखने में ये। सामने आपको बड़ी विंडशील्ड मिलती है, विंडशील्ड के ऊपर भी आपको एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिलता है जिससे आप इस साइड का देख सकते हैं। नीचे आपको दो वाइपर मिल जाते हैं जो कि पूरी विंडशील्ड को क्लीन कर देते हैं। टॉप में अगर देखेंगे तो आपको हाइट मार्कर लैंप मिलते हैं। नाइट के समय में आपकी गाड़ी चलती है और आप हाइट मार्कर लैंप ऑन करते हैं तो दूर से ये आपकी गाड़ी का मोटा मोटा स्ट्रक्चर अगले वाले बंदे को समझ में आ जाता है। दोनों साइड आपको ORVMs मिलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ORVMs हैं जिसमें आप पीछे का देख सकते हैं। अगर इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऊपर चढ़ के शीशे को हाथ से साफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको महिंद्रा की बैजिंग मिलती है, बिल्कुल सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है और यहाँ पर मिलता है ब्लेजो X55 की ब्रांडिंग। इंटीग्रेटेड हेडलैम्प है दोस्तों। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और रिफ्लेक्टर पट्टी भी आपको मिलती है। इसे आपको सेफ्टी के लिए एक मजबूत बम्पर दिया गया है, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ताकतवर है, इससे गाड़ी की सेफ्टी बढ़ जाती है दोस्तों। साइड से आप केबिन को देखते हो तो काफ़ी एरोडायनेमिक केबिन है दोस्तों। ये आपको विंड रिफ्लेक्टर के रूप में नज़र आ रहे होंगे, इससे गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है। फिर खूबसूरत लुक है दोस्तों सामने से ब्लेजो X55 का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। 55 टन का इसमें ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट आपको मिल जाता है। एम पावर 7.2 लीटर वाला फुल स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको 6 सिलेंडर इंजन मिलता है जो निकालता है 280 HP की पावर और 1050 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 4100 mm और 4050 mm व्हील बेस ऑप्शन में आप इसको ले सकते हैं। 9 स्पीड वाला इसमें आप गेयरबॉक्स ले सकते हैं। सामने इसमें आपको दोस्तों पैराबोलिक लीप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं विद शॉक अब्जॉर्बर्स के, जो कि ड्राइवर कंफर्ट को नेक्स्ट लेवल पहुंचा देते हैं। जो ये केबिन देख रहे हैं दोस्तों, ये 4-point सस्पेंडेड केबिन है। जैसे ही आप रोड पर इसको चलते देखते हैं तो केबिन आप झूलता हुआ दिखाई देगा। पीछे इसमें आपको सादा पट्टा कमाने मिलती है विद हेल्पर लीप स्प्रिंग के। रियल एक्सल की बात करें तो इसमें आपको बेंजो टाइप सिंगल इंडक्शन एक्सल मिलता है। 415 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और 50 लीटर का इसमें एड ब्लू टैंक मिल जाता है। अगर चेसिस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो वो है 85x70x8.5 विद रेनफोर्समेंट इसमें आपको मिल जाता है। ये है फिफ्थ व्हील और इसमें आपको मेरिटोर के एक्शन मिलते हैं। हमने आपको प्रोपेलर शाफ्ट दी गई है और ये है आपका एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट वाला सिस्टम। पीछे आपको टेल लैंप मिल जाते हैं। अगर टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 295x90 R20 साइज के टायर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्टेपनी का प्रोविजन दिया गया है साइड में बाहर निकाल के, जिससे आपको उतारने में आसानी हो, ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 150 एम्पियर हॉर्स की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है। इस ट्रक को आप काफ़ी सारी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज कर सकते हैं, मशीनरी में यूज कर सकते हैं, स्टील कोयल में यूज कर सकते हैं, कंटेनर में यूज कर सकते हैं, बल्कर जैसे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ओवर डायमेंशन कार्गो कैरियर में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको एरोडायनामिक इसकी सेफ दिख रही है दोस्तों। यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, साइड में आपको ORVMs है, यहाँ पर आपको एम पावरफुल स्मार्ट की बैजिंग मिल जाती है, फुल स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें आपको 3 ड्राइव मोड मिल जाते हैं। यहाँ पर व्हील आर्चेज के ऊपर आपको एक छोटा सा इंडिकेटर मिलेगा, ये फुटस्टेप है, यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का इंटीरियर है दोस्तों ब्लेजो X55 का। काफ़ी बड़ा केबिन है दोस्तों और काफ़ी शानदार अंदर से लुक देता है। काफ़ी चौड़ी इसमें आपको स्लीपर बर्थ मिलती है। काफ़ी अच्छा इसमें आपको डैशबोर्ड मिलता है, वहाँ पर आपको ब्लोअर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सामान रखने के लिए यूटिलिटी स्पेस दिया गया है। यहाँ पर AC के कंट्रोल्स हैं, ये सारे AC के कंट्रोल्स हैं। इस ट्रक को आप AC और नॉन AC दोनों ही ऑप्शन में ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल स्मार्ट के तहत 3 मोड मिल जाते हैं दोस्तों। एक है लाइट मोड, एक है हैवी मोड और एक है टर्बो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसे लगते हैं आपको महिंद्रा ट्रक्स, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।